आप सभी को तहे दिल से नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूं मैं यहां पे। आज संजीवनी का एनुअल मीट है। हमारे साथ बैठे हुए आरबीआई के सर, प्रिंसिपल सर और डीबीजीबी से सर बैठे हुए हैं। और मेरा यहां पे मेन मकसद है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए अभी हम लोग अगर किसी भी तरह से हम लोग को, आप छोटे समूह हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, सभी को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का साथ लेकर ही चलना है, टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। इसी के लिए मुझे जो रोल दिया गया है, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग का है, उसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से एमटेक किया है, तो इन सब को देखते हुए ही मुझे रखा गया है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी को मैन पावर के साथ हम लोग एक साथ लेके चलें और जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी हमारी टारगेट्स हैं, उसको कैसे अच्छी तरह से उपलब्ध सामने वाले को करें, सीएसपी को करें, सुपरवाइजर्स को करें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को करें, कि वो अपने टारगेट को अचीव करें ईजली। उनको पूरा उनके सामने ब्यौरा रहना चाहिए, उनके सामने पूरा उनका सीएसपी का डिटेल रहना चाहिए, उनके काम का डिटेल रहना चाहिए। तो इन सब के लिए जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले संस्था यूज़ करती थी, पेपर पे सारा हिसाब किताब चलता था, बैंकों सब कोई पेपर पे चलते थे। उसके बाद शाम को बैठ के, दिन में बैठ के अलग से एक मैन पावर लगता था, जिसमें कि वो लोग उसको एक साथ कंपाइल करते थे। लेकिन आज के डेट पे जो टेक्नोलॉजी का नया नया आया है, नया नया आविष्कार हो रहा है, तो हम लोग को काफ़ी ईजी हो रही है चीज़ों को ग्रहण करने में। हमारे हाथ में जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, जो फ़ोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट्स हैं, इसके साथ हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से अपने सारी चीज़ों को, अपनी सारी काम को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें मेनली अभी हम लोग काफ़ी कुछ ग्रो कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ हमारे चल रहे हैं। और मेरी यही आप सभी से विनती भी है कि जैसे जैसे देखिए चेंजेस, जब भी कुछ चेंजेस संस्था लाती है, कोई भी चेंज लाता है, तो लोग पीछे हटते हैं कि अरे यार ये क्या ले आया, अब विजिट तो हम लोग कितना आराम से पहले पेपर पेन से कर लेते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, अब ये क्या नए नए चीज़ आ रहे हैं। तो इन सब के साथ हम लोग को चलना होगा। इसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है, आप लोग का क्या काम चल रहा है, संस्था का क्या काम चल रहा है, सबको एक ऑलवेज 24/7 समझिए कि जैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वैसे हम लोग लाइव जुड़े रहते हैं। आप लोग कहीं भी रह रहे हैं, देश के किसी भी कोना में हम लोग जुड़े हुए हैं। आफ्टर लॉकडाउन, जैसे कि हम लोग काफ़ी पहले हमारा कभी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होता था, हम लोग सभी ग्रुप से, सभी जगह के समूहों से, सभी राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स से हम लोग अलग अलग बात करते थे। लेकिन एक तरह से ये कोविड हमें ये भी सिखाया कि कैसे हम एक साथ हों और एक साथ काम करें। इसके लिए मेन रोल रहा टेक्नोलॉजी का। अगर हम लोग वो टाटा टेली सर्विस का नहीं लेते हैं, जूम का नहीं लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो शायद हम लोग एक साथ नहीं जुड़ते। आज के डेट में हम लोग सभी कोई एक दूसरे को नाम से तो जानते ही हैं, नाम काम डेजिग्नेशन से तो जानते ही हैं। आज हम लोग को अच्छा मौका मिला है कि सब लोग एक मंच पे हैं, एक जगह हैं, सब एक दूसरे को बाय फेस और अच्छे से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा। और आगे चल के ये इंटरेक्शन होगा, आगे बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट आने वाला है। अब ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा और बस यही मैं एंड करना चाहता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी में अभी हम लोग कुछ विजिट्स ऐप बनाए हैं, कुछ जिसे गूगल ऐप जैसे रहता है वो आप लोग सबको यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग सीएसपी का भी ऐप बना रहे हैं, जिसपे सीएसपी अपना इशू लिखेंगे, वो अपने आप टेक्निकल टीम को आ जाएगा, वो रिजॉल्व करेंगे, कितने देर में रिजॉल्व हो रहा है टिकट, ये सब पूरा पारदर्शिता रहता है। पहले हम लोग देखते थे कि हमें भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता था, सीएसपी कह रहे हैं, सिंपल सा कोई इशू रहता था, वो उसका कोई टाइमलाइन नहीं पता चलता था हमें कि आखिर कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, कौन इसको देख रहा है। अभी आज के डेट पे हमारे पास काफ़ी हद तक ये चीज़ें पता हैं कि कैसे वो हैंडल हो रही हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। दूसरा है, आप सभी के लिए एक विजिट ऐप बना हुआ है, जो आप सीएसपी के पास जाते हैं, बीसीए के पास अपने जाते हैं, तो वहाँ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग यस नो करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, उससे पूरा एक बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का पिक्चर थोड़ा सा दे दूँ, उसमें पूरा उनकी रैंकिंग हो जाती है सीएसपी की,
कि कौन सीएसपी अच्छा है एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पर कंप्लायंस, बोर्ड बैनर रजिस्टर, उनके पास कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पास भी शो होने लगता है। पहले क्या था, हम लोग पेपर कलेक्ट करते थे व्हाट्सएप पे, मेल पे, उसको फिर एक साथ जोड़ो, वो कई बार मिस हो जाती थी, कई बार एक ही सीएसपी के पास लगातार 4 विजिट हो गई और कई सीएसपी के पास 2-3 महीने तक कोई गया भी नहीं हो, तो ये सब भी पूरी तरह से अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसी के बाद मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे रंजीत सर को, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर में हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। वो आपको और गाइड करेंगे और वो आपको और बताएंगे कि आगे आने वाले समय पे फ्यूचर में हम लोग के पास और क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। बस मेरा यही अपील है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलिएगा, बहुत अच्छे से चलेंगे हम लोग। बीच में हम लोगों ने गूगल शीट का यूज़ किया था आप सभी से डिटेल लेने के लिए, आप सभी BCA से डिटेल लेने के लिए। अगर यही ये सब चीज़ें हमने पहले भी दे रखी थी आप लोगों को, इसका ट्रेनिंग भी हो रखा था, तो इसको हम लोग चाहेंगे कि जितना सुगम और अच्छा हो कि आप सभी BCA का डिटेल एक जगह एकत्रित रहे। देखिए, डिटेल में आप सभी लोगों के पास रहता है, लेकिन इसका बेसिक जो रहता है कि जब कभी मांगा जाता है तो छितराव रहता है सारे डिटेल में, कोई एक जगह आप लोग इकट्ठा करके एज अ सिस्टम में डिजिटलाइजेशन करके उसको नहीं रखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं कि आपका सारा CSP का एक एक डिटेल हमारे पास रहे। जैसे बैंक्स लोग कस्टमर्स का EKYC करते हैं, भले ही वो फॉर्म फिल कराते हैं, लेकिन फिर उसको वो डिजिटलाइज भी करते हैं, तो इस तरह से हम लोग भी आगे जाकर कर रहे हैं सारे CSPs का, BCAs का। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ।